हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहे ना। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं हूं आज आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो एक DIY वीडियो होने वाली है और ये वीडियो आज मेरे उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, उन सारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो क्रेटा गाड़ी को ऑन करते हैं और जिनके पास क्रेटा गाड़ी है। मैं खुद एक क्रेटा का ऑनर हूँ तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि यार फ्रेंड्स, मुझे पता है कि क्रेटा गाड़ी पे जो फॉग लैंप आते हैं ना, वो काफ़ी वीक हैं और उनका जो आउटपुट है वो काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटिंग रहता है। मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ स्पेशली जब हम उसको नाइट ड्राइव करते हैं ना यार, तो कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप बने रहिए मेरी पूरी वीडियो में मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप इसको दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनके पास भी क्रेटा गाड़ी है वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे कि क्रेटा की जो फॉग लाइट कंपनी ने दी है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें देती है। एक्चुअली इसके अंदर जो हेलोजन बल्ब्स का यूज़ किया गया वो काफ़ी वीक है, स्पेशली नाइट के टाइम में यार बहुत ज़्यादा दिक्कत उससे होती है। मतलब रोड पे तो कुछ दिखाई नहीं देता, बस अंधेरा ही अंधेरा। मैंने उस हेलोजन बल्ब्स के रिप्लेसमेंट के लिए LED लाइट ऑर्डर की हुई है ऑनलाइन। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी LED लाइट ऑर्डर की हुई है। बट इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो LED लाइट सर्च करी, उसको सर्च करने से पहले यार मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो सर्च करी, बट मुझे एक भी सिंगल वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसमें ये बताया गया हो कि उसके हैलोजन बल्ब के रिप्लेसमेंट करके LED लाइट्स उसमें कैसे इंस्टॉल की जाए। तो मुझे लगा कि यार मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, जो दूसरे क्रेटा लवर्स हैं, जो क्रेटा यूज़र्स हैं, उनकी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने LED लाइट ऑर्डर करी है वो ये है। एक्चुअली इसका पैकेट मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ और इसको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो मैं दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मुझे मिले हुए हैं। तो ये बाहर का रैपर तो कर देते हैं साइड। तो फ्रेंड्स इस पैकेट के अंदर से कुछ ये बॉक्स निकलता है। इस पर लिखा हुआ है, ये है ऑटोबैन कंपनी का H2788 फिटमेंट का LED बल्ब है। LED बल्ब का एक पेयर है और इसके कलर टेम्परेचर की बात करते हैं। कलर टेम्परेचर है 6500 केल्विन एंड हाई डेफिनेशन 9000 ल्यूमेंस एंड ऑटोबैन और स्पेशली एंड 2 ईयर्स वारंटी। और नॉट ओनली 2 ईयर्स वारंटी, 2 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी। जी हाँ, कंपनी क्लेम करती है अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो वो रिप्लेसमेंट करके देगी। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हमें मिले हुए हैं। तो इस बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है 2 पेयर ऑफ कॉटन ग्लव्स हैं। ये इनका क्या यूज़ है मैं भी आपको बताऊंगा। और इसके अंदर कुछ 2 LED लाइट्स हमें इस तरीके से दिखा दी। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, इस पे 2 LED लाइट्स हमें ये मिलती हैं, ऑटोबैन कंपनी की इस पे ब्रांडिंग दी गई है और काफ़ी अच्छा मटेरियल का इन्होंने यूज़ किया है। H27 सॉकेट पे लिखा है और इस पे एक टैग भी लगा हुआ है। इस टैग पे लिखा है QC पाजल टीयर इनवैलिड। अगर ये टैग आपका कहीं से कटा फटा हुआ है तो ये आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, इसका आप ध्यान रख लीजिए। तो आप जब आपको बॉक्स मिलता है आप चेक कर लीजिए कि ये कटा फटा ना हो कहीं से भी। और इस पे एक बहुत अच्छी सी हीट सिंक दी हुई चारों ओर से हीट डिसिपेशन के लिए एंड नीचे एक फ़ैन भी दिया हुआ है। और मतलब प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, इसको छूने से ही लग रहा है कि काफ़ी प्रीमियम और वेटेड भी है काफ़ी। और इस पे 2 LED की हाउसिंग इसमें दी गई है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ग्लव्स क्यों दिए गए हैं। एक्चुअली जब भी हम इसका फिटमेंट करेंगे तो हाथ में ग्लव्स वियर करके इसको करेंगे, क्योंकि अगर LED को हम ऐसे टच करते हो हमारे फिंगर्स पर डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं जो इसकी LED की हाउसिंग को डैमेज कर देंगे। इसलिए हमारे को फिटमेंट करते समय इनको पहनना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये है वो LED लाइट्स जो मैंने ऑर्डर करी है, ऑटोबैन कंपनी की है। इसका फिटमेंट है 881 H27881। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। वैसे बॉक्स मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ बट मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हमारे पास आए हुए थे। ये है प्रोडक्ट मैनुअल, इसके अंदर इस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको सेट कर दे रहा हूँ। इस बॉक्स के साथ हमें मिले हैं 2 कॉटन के ग्लव्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये है हमारे LED बल्ब, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 1 पेयर ऑफ बल्ब्स हमें मिला हुआ है, ये देखिए 2 बल्ब्स हैं और इस पर बैजिंग की हुई है टीयर इनवैलिड, QC पास टीयर इनवैलिड। इसमें कुछ बारकोड पीछे दिया गया है और इस LED पे भी बारकोड दिया गया है यहाँ पर को आप देख सकते हैं ये।
ये बारकोड है और इस पर एक ब्रांडिंग दी गई ऑटोबैन कंपनी की और इसकी फीलिंग काफ़ी अच्छी है। प्रेस में पीछे एक फ़ैन दिया गया है और आगे दो एलईडी लाइट की हाउसिंग इसमें दी गई है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ऊपर इस पर एक हीट सिंक दी गई है। हीट सिंक का काम होता है कि जब एक्सेसरी इसमें हीट जनरेट होती है तो हीट सिंक के थ्रू इस फैन के द्वारा ये बाहर को निकल जाएगी। ये रहा इसका सॉकेट जिसमें प्लस और माइनस का साइन दिया गया है। तो फिटमेंट करते समय ध्यान रखिए कि प्लस वाली वायर प्लस में, माइनस वाली वायर माइनस में ही लगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और इसका फिटमेंट करके आपको सबको बताते हैं। तो बने रहिए हमारी इस DIY वीडियो में हमारे साथ। इसका फिटमेंट आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी मैकेनिक या गैराज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और देखते हैं इसका फिटमेंट। गाइज एज यू कैन सी फ्रंट इंडिकेटर हाउसिंग के साथ ही हमारे फॉग लैंप्स की यूनिट भी दी गई है। इसमें येलो कलर के हैलोजन बल्ब्स हैं, इन दोनों बल्ब्स को हम रिप्लेस करके LED बल्ब इनमें सेटअप करेंगे। तो चलिए LED बल्ब का सेटअप करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपनी क्रेटा के पास और अब मैं आपको यूज़ दिखा दूँगा कि इन ग्लव्स का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम इन ग्लव्स को वेयर करेंगे। इनको वेयर करने का एक यूज़ ही एक पर्पज हमारा यही रहेगा, इससे फिटमेंट में एक तो हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे, दूसरा जो LED लाइट की हाउसिंग थी अगर उस पर गलती से हमारा हाथ लगता है तो जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उस लाइट में नहीं लग पाएंगे, जिससे हमारी इसकी हाउसिंग खराब नहीं होगी। ये हमारी लाइट आ गई। तो सबसे पहले हम बॉनट को ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम वो पुराने अपने फॉग लैंप्स को निकाल देंगे। उसको निकालने के लिए अगर आप देख पा रहे तो आपको एक सॉकेट दिख रहा है, पहले तो सॉकेट को निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने राइट वाले हम फॉग लैंप फॉग लाइट को निकाल रहे, तो पहले राइट साइड पे ही हाथ डालेंगे। देखिए और सबसे पहले उस सॉकेट को हम बाहर खींच लेंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला, तो फ्रेंड्स ये जो वाइट वाला पार्ट आप दिख रहे हैं इसको हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए पहले इसमें एक सॉकेट दिया गया, सॉकेट को इसके दोनों साइड्स पे दो क्लिप्स हैं, उन क्लिप्स को खोल के इसको नीचे को खींच लेंगे ये। और ये आप देख पा रहे हैं ऑरेंज वाला, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट आ रहा है ये सॉकेट है, इस सॉकेट को हम इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद इस बल्ब को अब हम ये हमारा बल्ब आ गया, इसको हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें ना थोड़ा सा फोर्स लगाने की हमें ज़रूरत है, इसको एंटी क्लॉक मैंने घुमाया, देखिएगा ये भी निकल जाएगा, ये निकल गया जी। आ गया बल्ब बाहर, आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा हैलोजन फॉग लैंप आ गया। S21W/2 881 12 volt का ये 27 volts। तो इसको हम इसी बॉक्स पे वापस रख देते हैं, इन फ्यूचर इसका यूज़ हम करेंगे। कभी हमारे लगता है कि हमें इसको फिर से इस पर शिफ्ट होना था, हम इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको तब तक हम रख देते हैं। चलिए अब हम LED बल्ब है वो हम इसको इस पर फिट करेंगे। इसको फिट करने का भी सेम तरीका है जैसे हमको हैलोजन बल्ब निकाला, सेम एजिटी इसको भी उसी सॉकेट पे फिट करेंगे और क्लॉकवाइज घुमा के फिट हो जाएगा। आफ्टर दैट जो ऑरेंज वाला हमारे पास सॉकेट है सॉकेट को इसमें डाल देंगे, बट उसको सॉकेट में डालने का डालते समय ये ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस दोनों एग्जैक्ट प्लस प्लस में माइनस माइनस में लग जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं ये इसकी बैटरी है। अब इसको हम क्लॉकवाइज, ये बैटरी है इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो इसमें लॉक हो जाएगा ये, तो ये लॉक हो चुका है। और अब इसका ये जो सॉकेट है ये वाला, वो जो हमारा ऑरेंज कलर का सॉकेट था वो सॉकेट में हम इसको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये लग गया, इसके लगते समय क्लिक की साउंड आएगी, अगर ये क्लिक की साउंड करता है तो समझ लीजिए आपका प्रॉपरली लग चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड लगाएंगे, चलिए चलते हैं दूसरी में। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने लेफ्ट हैंड पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा वो सॉकेट, ये अपना बल्ब। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुल जाएगा, थोड़ा प्रेशर लगाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये खुल गया। तो
सबसे पहले हम इसकी क्लिप्स को लूज करके इसका सर्किट को बाहर कर लेंगे। ये सर्किट बाहर हो गया, देखिए ऑरेंज कलर की वायर और सब आ गया। इसको हम यहीं को कहीं टक कर देंगे और अब ये हमारा जो बल्ब है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे थोड़ा जोर से, ये खुल गया। तो फ्रेंड्स ये बल्ब हमारा अगर आप देख पा रहे हैं H27W/2 8812 volt, तो उसको भी रखते हैं बॉक्स। तो इसे लाइट के सॉकेट में कुछ इस तरीके से डालेंगे और देखिए ये प्रॉपरली खुद पे खुद बैठ जाएगा। जब आपको लगे कि ये सही पोजीशन पे बैठ गया है ये, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ये घूम गया क्लॉकवाइज, एक बार इसको जरूर बाहर को खींच के चेक कर लीजिए ताकि कहीं लूज वूज ना हो। तो ये प्रॉपरली बैठ गया। हमारा दूसरा काम है कि इस वाली इस ऑरेंज वाला सॉकेट को अपनी लाइट के सॉकेट में फिट करेंगे। ये तो जैसे ही बैठेगा तो एक क्लिक की साउंड आएगी, क्लिक की साउंड आती है तो आप समझ लीजिए ये प्रॉपरली लग चुका है। एंड गाइस हमने अपने दोनों एलईडीज का सेटअप कर लिया है एंड हम इसको एक बार लिटअप करते हैं। देखिए लिटअप करने के बाद कितना ज़्यादा इसका ब्राइट व्यू है। नाइट के समय तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस इसे हमें मिलने वाली है एंड हम जब नाइट ड्राइव करेंगे तो इसका व्यू हम आपको जरूर दिखाएंगे। फ्रेंड्स क्रेटा का परफॉर्मेंस काफ़ी रिमार्केबल है। अगर आप भी क्रेटा लेने की सोच रहे हैं तो आप आँख बंद करके इस व्हीकल को परचेज कर सकते हैं। फॉर मोर रिलेटेड क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ई मेल आई डी एज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में DM भी कर सकते हैं। मैंने गाड़ी बिंदल हुंडई से ली थी, मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मुकेश भैया थे। मैं उनकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूंगा एंड जो भी डिस्काउंट होगा एब्सोल्युटली वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये करते वीडियो को यहीं पर प्रोवाइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।